हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F55 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के ना साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट किया जा सकता है। कैसे? इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। सेटिंग के इस पेज में आपको ना नीचे आना है। नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी पे आपको टैप करना है। ठीक है, आपका इस तरीके से पेज आएगा। इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है इंटरेक्शन एंड डेक्सटेरिटी का, इसे आपको टैप करना है इस ऑप्शन को। ठीक है, अब देखिए इस वाले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है असिस्टेंट मेन्यू। असिस्टेंट मेन्यू जो लिखा हुआ है ना, इसके नेम के ऊपर ही आपको टैप करना है। ठीक है, तो आपका असिस्टेंट मेन्यू का पेज आ जाएगा। इस पेज में देखिए सबसे ऊपर आपको ऑफ का ये ऑप्शन है। ऑफ के सामने वाले बटन को टैप करके ना इसे बटन को ऑन करना है। तो ये बटन आप टैप करिए तो आपका एक इस तरीके का छोटा सा पेज आता है। इस पेज में आपको नीचे अलाउ का ये ऑप्शन मिलता है, अलाउ पे टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये बटन ऑन होता है। और आपका ये बटन जैसे ही ऑन होता है तो आपकी फोन की स्क्रीन के ऊपर इस तरीके का ये बटन आपको दिखाई देता है। ये बटन आपका असिस्टेंट मेन्यू का शॉर्टकट बटन है ये। ठीक है, तो ये बटन आपका ना सभी जगह आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इस बटन का, आप ना कभी भी किसी भी वक्त आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, ये जो असिस्टेंट मेन्यू का शॉर्टकट बटन है ना, इसे आपको टैप करना है। तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा। इस पेज को आप ना लेफ्ट और राइट स्लाइड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसमें और भी ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए इस वाले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है पावर ऑफ मेन्यू का। पावर ऑफ मेन्यू का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इस तरीके से पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक तरीका है मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट करने का तरीका। तो आज की इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो इस सेटिंग का आप अपने फोन में जरूर यूज करके देखिएगा। ठीक है।